तो मैंने कहा कि देखिए, जितने प्रकार के धर्म हो सकते हैं, हाँ तो ये जो है कमतर धर्म में ही है। धर्म तो सिर्फ एक ही है और वो है सनातन धर्म। क्योंकि यदि आप मानव धर्म की बात करते हैं तो आपके सामने प्रश्न यह उठेगा कि जो मानव नहीं है उसमें कौन सा धर्म लागू है। जैसे वृक्षों में कौन सा धर्म लागू है, सूरज में कौन सा धर्म लागू है, चांद सितारों में कौन सा धर्म लागू है, प्रकाश की तरंगों में कौन सा धर्म लागू है, जल में कौन सा धर्म लागू है, वायु में कौन सा धर्म लागू है। मानव तो भी हाल फिलहाल की उत्पत्ति है। मानव जब नहीं था तब कौन सा धर्म था, जहाँ मानव नहीं है वहाँ कौन सा धर्म है, जब मानव नहीं रहेगा तो कौन सा धर्म रहेगा। धर्म का स्वरूप बहुत बड़ा है। और जो वेद है वो सनातन धर्म की बात करता है। सनातन धर्म ही वास्तविक में धर्म है। उसके अंतर्गत फिर छोटे छोटे बहुत सारे हर चीज़ के फिर धर्म हैं। जैसे आँख का धर्म हो जाएगा, जल का धर्म अलग हो जाएगा, वहाँ पर वे गुण के अर्थ में वो प्रयोग होने लगेगा। उसी तरह से हर प्राणी का धर्म हो जाएगा, हर वनस्पति का धर्म हो जाएगा, तो मानव का भी धर्म उसी तरह से हो जाएगा। इसीलिए अपने को छोटी इकाई में नहीं रख करके बृहत्तर इकाई में रखें और सनातन धर्म की बात करें। ये सब धर्म जो हैं, इस तरह के छोटे छोटे जो धर्म जो किसी न किसी रेफरेंस में कह दिए जाते हैं, तो यह जो है ये हमारे अहंकार को ही बढ़ाता है। अहंकार जनित यह होता है क्योंकि हमको सीमित कर देता है ना। अहंकार का मतलब सदैव जो है जो भेद में देखता है वो सीमित कर देता है, हमें मानवों तक सीमित कर देगा वो। तो जो गैर मानव हैं उनके उनसे हमारा अपने आप ही जो है अलगाव हो जाता है, जब हम मानव धर्म की बात करते हैं तो। हाँ तो वह यही बात हुई, यही बात ठीक मैं है। आपको कहना चाहता था। आप हमको तो परमिशन दीजिए ठीक है, आप जाइए इस गांव में, इधर घूम लीजिए। बात। हाँ, वहाँ आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो यज्ञ में सहयोग करेंगे आपका। ठीक है, हाँ ये पुस्तिका आप लेते जाइए, आपके लिए है। चलिए, आप आए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ सेवा का मौका हमें भी मिल गया। हाँ।